हाय गाइस, वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई एम बैक विद अनदर व्लॉग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। सो आज का जो व्लॉग होने वाला है वो प्रॉपर गणेश चतुर्थी के ऊपर होने वाला है। बेसिकली पिछले दो साल से हम लोग गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट कर रहे हैं मेरी मम्मी के एक मन्नत की वजह से। तो ये है थर्ड ईयर हमारे घर में गणपति बप्पा का, और मैंने सोचा क्यों ना एक प्रॉपर व्लॉग आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँ। तो इसमें मैं बहुत सारी चीज़ें दिखाने वाली हूँ। और जो है पप्पा का जो मूर्ति है वो हमने कल इवनिंग में ही ले लिया था मार्केट से, और मार्केट में बहुत ज़्यादा क्राउड था जिसकी वजह से मैं कुछ यू नो एक्स्ट्रा फुटेज नहीं ले पाई। बट मैं बिफोर एंड आफ्टर वाली जो मूर्ति की पिक्स है वो मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। बहुत ही सिंपल एंड बेसिक था जिसको मैंने थोड़ा डिटेलिंग वगैरह करवा के एकदम चमका डाला है, जो कि आगे मैं आप लोगों के साथ रिवील करूंगी। एंड बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं, बट अभी मैं होने वाली हूँ रेडी। आई जस्ट टुक अ बाथ, तो मेरे को भी रेडी होना बाकी है। बट उससे पहले मैं जाके नीचे देख लेती हूँ कि भोग वगैरह प्रिपेयर हो रहा है किस तरह से, और मेरे को मेरी ज्वेलरीज गोल्ड की भी निकलवानी है, वो भी देख लेते हैं। तो चलिए ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। और अगर आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया दैन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, टू सब्सक्राइब टू माई चैनल वी हैव इंडिया। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स जंप इनटू द वीडियो। सो वेल, भोग के लिए यहाँ पे रेडी हो रहा है बंगाली स्टाइल में एक मिक्स वेज की सब्ज़ी, और यहाँ पे उसके साथ हो रही है रेडी बंगाली वे में खिचड़ी, जो कि एक्चुअल भोग है जो कि हम पापा को बाद में चढ़ाएंगे। देखिए आई हूँ, भोग वगैरह ऑलमोस्ट सब चीज़ें रेडी है। जो मेन प्रसाद है वो खिचड़ी बनाया है बंगाली तरीके से, और घर में बेसिकली आज सब लोगों का फास्टिंग है क्योंकि आज पंडित बुला के हम लोग प्रॉपर पूजा करवा रहे हैं। तो मैं फटाफट से रेडी होती हूँ, देन मैं आपसे मिलती हूँ क्योंकि नीचे थोड़ा सा डेकोरेशन का काम भी बाकी है, देन आई विल कैच यू। गाइस, आई जस्ट गॉट रेडी एंड मैंने मेकअप बहुत ही ज़्यादा मिनिमल रखा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। सिर्फ मैंने मेरा जो विंग लाइनर है वो मैंने थोड़ा सा हैवी रखा है, एंड आई वॉट दिस फाइव इंडिया का एक प्लेन सिल्क कुर्ती विद दिस गोल्डन प्लाजो, एंड आई वॉट दिस स्मॉल लिटल पीस ऑफ गोल्डन इयर रिंग एंड अ गोल्डन सिंपल बैंगल्स। तो मैं अभी थोड़ी सी लेट हो रही हूँ, नीचे थोड़ा सा डेकोरेशन का काम बाकी रह गया, तो वो फटाफट से कंप्लीट करती हूँ, देन मैं डायरेक्ट आपसे पूजा के टाइम मिलती हूँ। सी यू। वेल, डेकोरेशन के लिए ऐसा सच कुछ एक्स्ट्रा नहीं करने वाली। यहाँ पे मैंने गेंदे के फूल और लीव्स की बनी हुई मालाओं का डेकोरेशन किया है, और थोड़ा सा लाइटन अप करने के लिए मैंने यहाँ पे LED लाइट्स ऊपर की तरफ लगाई है। वेल गाइस, हमारा पूजा कंप्लीट हो गया, काफ़ी टाइम लग गया, लाइक 3 to 3.5 hours लग गए हैं आराम से। अभी जो है हम लोगों ने पापा को जो एक्चुअल भोग बना था वो हम लोगों ने ग्रहण करने के लिए उनके लिए चढ़ाया हुआ है। तो अभी नीचे का रूम कुछ देर हम बंद रख रहे हैं, देन उसके बाद जो प्रॉपर भोग है वो हम अपने एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करके अपना फास्टिंग वगैरह तोड़ेंगे। सो मैं आपसे फ्री हो गया बहुत जल्द। तो कल मेरे को ब्लॉग कंटिन्यू करने का टाइम बिल्कुल नहीं मिला था क्योंकि घर में काफ़ी सारे लोग आए हुए थे, सब चीज़ों को देखते देखते मेरे को बिल्कुल भी ब्लॉग करने का टाइम नहीं मिला। सो आज है सेकेंड डे, और यूजुअली पापा को कोई 2.5 दिन के लिए, कोई 5 दिन के लिए या फिर 8 या 11 दिन के लिए अपने घर पे रखते हैं गणेश चतुर्थी के टाइम। तो हम लोग 2.5 दिन के लिए ही पापा को घर पे रखने वाले हैं क्योंकि हमारे घर में मोस्टली सब लोग ही वर्किंग हैं, और कोई भी इस तरह से यूनो सिर्फ पापा को घर पे रख के यूनो इनकम्प्लीट वे में नहीं रखना चाहते कि प्रॉपर टाइम पर आरती नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है। तो इस वजह से हम लोग सिर्फ पापा को 2.5 दिन के लिए ही रख रहे हैं। तो आज है सेकेंड डे, तो आज की सुबह की सारी आरती वगैरह सब मैं ही करने वाली हूँ। तो मैं फटाफट से रेडी होती हूँ, फ्रेशन अप होके आपसे मिलती हूँ। आरती और सब कंप्लीट हो चुका है गाइस। सो मैं सोच रही हूँ कि मेरे एरिया में जहाँ पे भी गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट किया जा रहा है थोड़ा मैं वहाँ पे विजिट करके आती हूँ, क्योंकि कल मेरे खुद के घर में पूजा था तो मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि मैं कहीं और विजिट करूँ। तो अभी मेरे को थोड़ा टाइम मिल रहा है, तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना बाकी सब एरिया में भी मैं थोड़ा विजिट कर लूँ, सो दैट वो सारी चीज़ें भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मैं थोड़ा सा फ्रेशन अप होती हूँ, थोड़े टाइम में मैं आप लोगों के साथ मिलती हूँ। Thank you.
गुड मॉर्निंग गाइज एंड आई जस्ट गॉट रेडी. आई वॉन्ट दिस वेरी सिंपल सा एक कुर्ती. सो मेरे को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है. उसके दो रीज़न हैं. बिकॉज दो दिन से मैं इतनी ज़्यादा खुश थी, बट आज मॉर्निंग में कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से आई फील सो बैड फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट. क्योंकि पहला रीज़न ये है कि आज है लास्ट डे पापा का हमारे घर में, उनका आज विसर्जन होने वाला है. मेरे को बिलीव नहीं हो रहा कि वो इतनी जल्दी चले जा रहे हैं. और सेकेंड रीज़न ये है कि टुडे इन द मॉर्निंग आई गॉट माई पीरियड, जिसकी वजह से मैं बहुत सारे रिचुअल्स नहीं कर सकती. पिछले दो दिन से मैं सारे चीज़ों में इन्वॉल्व थी, आरती पूजा एंड एवरीथिंग, बट आज जिस दिन पापा जा रहे हैं उस दिन मैं सारी चीज़ों को नहीं कर सकती. सो इसके लिए मेरे को थोड़ा सा बुरा लग रहा है. सो जो मेन रिचुअल्स वगैरह है वो सब मम्मी ही करेंगी. और हमारे नेबर से कुछ आंटीज़ को इनवाइट किया गया है सारे रिचुअल्स को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि बंगालीज में भी कुछ रिचुअल्स होते हैं, उनको कंप्लीट करेंगे. और जो हमारा पापा का मूर्ति है वो इको फ्रेंडली मूर्ति है, जिसको हम घर पर ही इसी वजह से यू नो विसर्जन करने वाले हैं. तो मैं सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी. गाइस हमारा विसर्जन और बाकी सारे रिचुअल्स कंप्लीट हो चुके हैं, सब अच्छी तरह से हो गया. सिर्फ जो प्रसाद वगैरह है वो सब डिस्ट्रीब्यूट करना बाकी है, वो मम्मी अभी देख लेंगी. तो इतना ही था जो कि मैं आज के इस ब्लॉग के लिए शेयर करना चाहती थी. आई होप कि आप लोगों को मेरा आज का ये गणेश चतुर्थी का ब्लॉग पसंद आया होगा. इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा. तो मैं मिलती हूँ नए वीडियो में नए तरीके के साथ. तब तक टिल देन टेक केयर, बाय बाय.